भिंड कांग्रेस नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष मानसिंह कुशवाहा ने जब से जिलाध्यक्ष का पदभार संभाला है तब से लगातार कांग्रेस को एकजुट करने का प्रयास किया जा रहा है। भिंड में कांग्रेस के नए कार्यालय पर आज मुख्य अतिथि के रूप में बालेंदु शुक्ला पहुंचे, जहां कार्यकर्ता मीटिंग ली गई। काफी दिनों के बाद एक मंच पर पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह, पूर्व मंत्री चौधरी राकेश सिंह दोनों एक साथ दिखे, तो वहीं सभी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने मंच पर संबोधन करते हुए कहा कि आने वाले समय में कांग्रेस भिंड में अपना वही परचम लहराएगी। बालेंदु शुक्ला ने कहा कि कांग्रेस भिंड में आज भी विधानसभा सीटों में से दो पर काबिज है और आने वाले समय में सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर आगे आना होगा। डॉक्टर गोविंद सिंह, चौधरी राकेश सिंह ने मंच पर संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस में कोई भी गुटबाजी नहीं है। साथ ही सभी वरिष्ठ नेताओं ने भाजपा की केंद्र और राज्य सरकार पर महंगाई, कोरोना और बाढ़ को लेकर हमला बोला। इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बालेंदु शुक्ला, पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह, पूर्व मंत्री चौधरी राकेश सिंह, खिंजर मोहम्मद कुरैशी और पूर्व लोकसभा प्रत्याशी देवाशीष शहर अध्यक्ष राधेश्याम शर्मा, कई कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद थे। नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष मानसिंह कुशवाहा भी मौजूद थे। डॉक्टर साहब ने भी कहा, राकेश भाई ने भी कहा, बहुत अच्छी सही बात है। जब हम विपक्ष में होते आज हमको सत्ता नहीं चलानी, हमको नहीं देखना कि बाढ़ पीड़ितों के संग सरकार क्या कर रही, उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन क्या नहीं कर रही है वो हमें देखना है, उसकी भरपाई करना है, उसके लिए आवाज उठानी है, उसके लिए संघर्ष करना है। और यही वो समय होता है जब आम आदमी का दिल जीतते। विशेष रूप से सभी कार्यकर्ताओं को, हो सकता है कोई कार्यकर्ता कभी जाने अनजाने में उनसे ऊंच नीच वक्तव्य में कर दी हो, कभी किसी उसमें कर दिया हो कार्यक्रम में, लेकिन आज मैं उनसे ये अनुरोध करना चाहता हूं, उनसे विनय करना चाहता हूं कि आप जिले के वरिष्ठतम नेता हैं, आपको छोटी मोटी गलतियां लोगों की क्षमा भी करनी पड़ेगी और सबको साथ लेके चलना पड़ेगा।